जाना है जाने दीजिए, आज वहाँ है कल वहाँ है, हम किसी के पास नहीं गए थे, वो लोग खुद मेरे पास आए थे कि भैया हमको न्याय दिला दीजिए। हम जब न्याय के लिए खड़ा हुए तो लोग भाग गए। हम थोड़ी गलत हैं, जो गलत है गलत है। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, जिसको हिसाब लेना है कितना डोनेशन आया कहाँ, हिसाब के बारे में हमको बोलने दीजिए। देखिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चीजें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग मुझे पहचान रहे होंगे अच्छे तरीके से। 29 अप्रैल का जो जजमेंट आया था और 2 मई का जो मीटिंग पटना न्यू सचिवालय के पास रखा गया था, वो हम ही है, ठीक ना, हमारे बदौलत सभी लोग आए थे। सारा फंडिंग का कितना कलेक्शन आया, कितना खर्चा हुआ, सारा हम प्रेम भैया को सौंप दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिनको भी हिसाब चाहिए आप प्रेम भैया से लीगली बात करेंगे, केस के रिगार्डिंग या खर्च के मुताबिक आपका कितना वेस्ट हुआ है। बाकी आपको मालूम है प्रेम भैया बताएंगे, क्योंकि प्रेम भैया किसी के पास चलकर नहीं गए थे और ना ही हम चलकर गए थे, ठीक है ना। हमको बोला गया, खुद अंजलि सिस्टर ने कॉल कर बुलाया कि हमारे प्रेम भैया से बात कीजिए तब हम साइन करेंगे। प्रेम भैया से बात किए, प्रेम भैया हमारी बातों को जाने, समर्थन किए, तब नमस्कार। सभी एनएम क्वालिफाई बहने एवं उनके पेरेंट्स को नमस्कार करते हैं। आप तो मुझे पहचान ही रहे हैं हम कौन हैं। अभी मैं लाइव इसलिए आ गया हूं कि बहुत सारे ग्रुप में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि क्या होगा केस का, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा हम लोगों केस का। एक तो डेट 27 को मिला जिसको बर्बाद कर दिया, अब अगला डेट मंडे या ट्यूसडे तक आपका आएगा डेट, अगला नेक्स्ट हेयरिंग कब होना। इससे पहले आपको हम क्लियरिफाई कर देना चाह रहे हैं कि जितने भी पेरेंट्स ये जो ग्रुप में ना गीदड़ और बिल्ली का जो उछला कुदली चल रहा है ना गेम, उसको चलने दीजिए, उसको देखिए, एंजॉय कीजिए। शेर अभी सो रहा है, शेर अभी जो आपका ग्रुप का है वो नेक्स्ट हेयरिंग जो डेट है उसका वेट कर रहा है। हम लोग शेर और गीदड़ नहीं इधर उछलेंगे इधर कूदेंगे, ये भी बोलेंगे वो बोलेंगे। अब आगे से हमने क्लियर कर लिया है, फिक्स कर लिया है कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट आएगा उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जिस पर हम बात करेंगे, फालतू अनवांटेड बात हम नहीं करेंगे। और सारा हमारी जो टीम है, पिंटू जी, मोनू जी, हम हैं, और हमारे जो लीगल सेल है, वकील साहब हुए, सारे लोगों का हम लोग पैनी नजर केस पर बना हुआ है। केस हम कैसे जीतेंगे उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आप पेरेंट्स लोगों की घबराने की जरूरत नहीं है, आज अंजलि सिस्टर उन लोगों से मिल गई है, कोई बात नहीं। अंजलि जो केस है ना आपका, जो केस है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में, ना कि अंजलि सिस्टर के घर में रखा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहां न्याय मिलना है, इस देश का सबसे बड़ा जो न्याय का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, वहां आपका केस रखा हुआ है, वहां आपको न्याय मिलेगा, ना कि जो न्याय जो केस है वो आपको बार बार बता रहे हैं आपको कि अंजलि सिस्टर का घर में है। उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम टेंशन फ्री रहिए। हम लोग सत्य का साथ दे रहे हैं, आप भी जान रहे कि हम लोग कितना सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। न्याय का मंदिर में आपका केस रखा, वहां न्याय मिलेगा। कौन क्या गलत कर रहा है, उछला कूदली कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। फंडिंग की जहां तक बात रहा, तो आगे अगर हम लोग की सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग डेट आता है तो अगर फंडिंग का जरूरत पड़ेगा, हमारी टीम आपको बोलेगा फंडिंग आप कीजिएगा अनुराधा के अकाउंट पर कीजिएगा। ये बात मैं आज आपको बोल रहा हूं, हम केस लड़ेंगे, अनुराधा के अकाउंट पर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अंजलि चली, मान लीजिए हमारे साइड से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम केस कैसे लड़ेंगे, हमको कानून मालूम है। हमारे साथ विद्वान बघेल जो एडवोकेट है उनकी टीम है, हम अगर अंजलि सिस्टर चली भी जाती है उसके पास भी केस हम कैसे लड़ते हैं और कैसे आपको न्याय दिलाएंगे वो मैं जानता हूं। वो बात अभी मैं ओपन नहीं करूंगा क्योंकि लीगल चीज है। बाकी जिसको जहां जाना है जाने दीजिए, आज वहां है कल वहां है, हम किसी के पास नहीं गए थे, वो लोग खुद मेरे पास आए थे कि भैया हमको न्याय दिला दीजिए। हम जब न्याय के लिए खड़ा हुए तो लोग भाग गए। हम थोड़ी गलत हैं, जो गलत है गलत है। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, जिसको हिसाब लेना है कितना डोनेशन आया कहां, हिसाब के बारे में हमको बोलने दीजिए। देखिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चीजें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग मुझे पहचान रहे होंगे अच्छे तरीके से। 29 अप्रैल का जो जजमेंट आया था और 2 मई का जो मीटिंग पटना न्यू सचिवालय के पास रखा गया था, वो हम ही हैं, ठीक ना, हमारे बदौलत सभी लोग आए थे। सारा फंडिंग का कितना कलेक्शन आया, कितना खर्चा हुआ, सारा हम प्रेम भैया को सौंप दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिनको भी हिसाब चाहिए आप प्रेम भैया से लीगली बात करेंगे,
गैस के रिगार्डिंग या खर्च के मुताबिक आपका कितना वेस्ट हुआ है। बाकी आपको मालूम है प्रेम भैया बताएंगे, क्योंकि प्रेम भैया किसी के पास चलकर नहीं गए थे और ना ही हम चलकर गए थे, ठीक है ना। हमको बोला गया, खुद अंजलि सिस्टर ने कॉल कर बुलाया कि हमारे प्रेम भैया से बात कीजिए तब हम साइन करेंगे। प्रेम भैया से बात किए, प्रेम भैया हमारी बातों को जाने, समर्थन किए और तब उन्होंने सिग्नेचर किया। आज क्या बोल रही हैं कि प्रेम भैया हमारे कुछ नहीं है। तो उस दिन को याद कीजिए जब आपको गाली दे रहा है, लोग ट्रोल कर रहा था, लोग कहाँ थी आप? वही प्रेम भैया है ना जो आपको बचाए थे, पूरा लड़कर पूरा समर्थन किए, हम बचाए थे आपको, पूरा ट्रोलिंग किया जा रहा था। और देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज टूटिए मत। केस के रिगार्डिंग आप जितना बात करेंगे उतना लोग बात करेगा, कौन ग्रुप में मीटिंग कर रहा है, क्या है वो हमारा टारगेट है। ग्रुप में हम फालतूबाजी करेंगे, बिल्ली चूहे वाला खेल खेलेंगे तो क्या जीत जाएंगे? बाकी प्रेम भैया रखिए, जो हमको बोलना था बोलिए, बाकी आगे कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो फिर हम बताएंगे। घबराना नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए। हम लोग ऐसा नहीं कहीं ग्रुप छोड़ के भाग गए हैं, हम सिर्फ ड्रामा देख रहे हैं, इसलिए हम शांत हैं। थोड़ा उछल कूद दिलों को कर लेने दीजिए 5-6 दिन, बाकी जो फिर होगा आगे हम लोग देखेंगे ही। आप लोग घबराइए नहीं, आपके इंसाफ के लिए हम अंतिम दम तक और अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय ANM क्वालिफाई सिस्टम। देखिए हम लोग, पहली बात है कि ग्रुप छोड़ के भागने वाले में से नहीं है, ठीक। और ग्रुप छोड़ के भाग जाए और नेगेटिविटी फैलाए, हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ रहे थे और आगे भी लड़ेंगे, ठीक ना। जितने लोग भी हम लोग पे विश्वास जताया है और विश्वास किया है, सबका विश्वास बना रहेगा। और हम लोग पॉजिटिव जा रहे हैं और केस जितने के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, अन्यथा ये अल्लर बल्लर आलतू फालतू बात में हम लोग नहीं जाएंगे। और कोई सोचे कि पर्सनली 2 आदमी 4 आदमी और 5 आदमी चाहे कि इन लोग का मतलब टीम है इसको हाईजेक ही कर ले, हाईजेक कर लें और अपने हिसाब से चलाएं करें, तो नहीं होगा। हम लोग के पास 100-150-200 पेरेंट्स का भी कॉल आ रहा है, हमको उनको भी लेकर के चलना है, उनके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि 5 पेरेंट्स है और 5 ही लोग हैं वो सब कुछ डिसाइड कर लेगा, और वो लोग कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है, सब कुछ कचड़ा करके रख दिया है। तो आप लोग उस सब चीज़ों से बचिए, ठीक ना। ऐसा नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग का हौसला अफजाइब करना चाहिए, ना कि हौसला गिराना चाहिए। तो आप लोग जो भी हैं, अगर इस अपने हरकत से बाज आ रहे हैं तो बाज आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर तो हम लोग हैं ही, हम लोग लड़ ही रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर भरोसा रखिए। अभी BPSC टीचर का देखिए अग्निवीर, नीट MBBS इतना बड़ा एग्जाम्पल, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप समझदार है, आप यहाँ केस जीतने आए हैं, पॉलिटिक्स बाजी करने, ग्रुप बाजी करने और किसी का चुंगली बाजी करने यहाँ सुनने और करने नहीं आए हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है, बी हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज बी पॉजिटिव, ठीक ना। सब चीज अच्छा होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। और हम लोग हैं ना जी, 24-25 साल के लड़कों पर भरोसा रखिए, प्रेम भैया हैं ही साथ में, ठीक है ना। अगर हम लोग के दिल में छल कपट पाप रहता तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते, बंद कर देते और भाग जाते कहीं ना कहीं। और इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है YouTube पर, आप मुझे आसानी से पकड़ सकते हैं, आप मेरे ऊपर आसानी से लीगली एक्शन कर सकते हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको यार। कुछ कॉमन सेंस भी यूज कीजिए ना, कॉमन सेंस यूज कीजिए और पॉजिटिव रहिए। हम लोग केस पूरा जीतने का प्रयास करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग पॉजिटिव रहे, ज्यादा नहीं बोलेंगे।